क्लास स्टार्ट हो गई है अब आपकी। सभी बच्चे 9.2 एक्सरसाइज निकाल लीजिए इस बुक में। लास्ट टाइम हम 9.2 के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कर चुके हैं। आज की डेट है 16/11/2021। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल, एक हॉल है वो रेक्टेंगल शेप का है, उसकी जो लेंथ बताई है इज 4 मीटर लेस। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ द हॉल। एक हॉल है रेक्टेंगल की शेप का है, उसकी जो लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का अगर हम 3 टाइम्स करें, 3 टाइम्स का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करें, तो उसमें भी 4 मीटर लेस है, यानी कि 4 मीटर कम और करी जाए तब जाके वो लेंथ के बराबर आएगी। व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रेथ इज बी। तो हमने निकाला है कि लेंथ अगर एल है और ब्रेथ बी है, तो हमने ये बना दिया है कि लेंथ इज 3b-4। यही आंसर है बेटा, यही आंसर है। ब्रेथ का 3 टाइम करके उसमें से 4 लेस करना था, और लेस करने का मतलब होता है माइनस करना। लेस करने का मतलब होता है माइनस करना, यानी कम करना। तो 3 टाइम्स का मतलब है 3 से मल्टीप्लाई करना। तो 3 टाइम्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ जो कि बी है, उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें से भी 4 माइनस करते हैं, तो हमारा 3b-4 कहलाएगा। और ये हमारी लेंथ है उस हॉल की। एक हॉल था जिसकी लेंथ और ब्रेथ इस प्रकार से दी है। तो लेंथ किसके बराबर है? 3b-4 के। कितना सा था बच्चे? क्वेश्चन नंबर 4। राखी ट्रेवल्ड 4x किलोमीटर ऑन फुट। फुट का मतलब है पैदल। 4x किलोमीटर ऑन फुट, उसके बाद 2y किलोमीटर बाय साइकिल एंड 9 किलोमीटर बाय बस। एक्सप्रेस द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय राखी बाय एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो जो हम ऊपर बनाते जा रहे थे, ये जितने भी एक्सप्रेशन बन रहे थे एक्स के साथ, बी के साथ, वाई के साथ, इस फॉर्म में हमें एक इक्वेशन बना के तैयार करनी है। जैसे कि देखो, राखी है ना, राखी, राखी ट्रेवल्ड ऑन फुट, पैदल कितना ट्रेवल किया उसने, वो है 4x किलोमीटर। उसके बाद शी ट्रेवल्ड बाय साइकिल, साइकिल से उसने ट्रेवल कितना किया, 2y किलोमीटर। और उसके बाद बस से भी उसने ट्रेवल किया है। शी ट्रेवल्ड बाय बस, बस से 9 किलोमीटर गई है। तो टोटल डिस्टेंस क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस शी ट्रेवल्ड, तो उसके लिए तो हमें इन सबको प्लस करके लिखना पड़ेगा। वो हो गया 4x plus 9y, sorry, not 9y, 2y, 4x 2y plus 9। ये है आंसर। कितना सा करना था टोटल डिस्टेंस के लिए, क्या करेंगे हम, जो जैसे पैदल कितनी दूर गई, साइकिल पर कितनी दूर गई, बस से कितनी दूर गई, उन तीनों को हम प्लस कर देंगे, वही होगा टोटल डिस्टेंस। तो यह है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं 4, 2, 9, साथ साथ उनके साथ वहां पर अल्फाबेट्स भी हैं, जिनको हम वेरिएबल्स कहते हैं, एक्स है, वाई है, इस प्रकार से भी यूज हो रखे हैं, इसलिए इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी हाइट एच है,
एक रेक्टेंगुलर बॉक्स हाइट एच, इट्स लेंथ इज 5 टाइम द हाइट एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस द लेंथ, एक्सप्रेस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इन टर्म ऑफ द हाइट। देखो क्या है, पहले तो हाइट क्या दी है, हाइट दी है एच, उसके बाद उन्होंने कहा लेंथ, इन्होंने कहा लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट, ठीक है, ये हाइट की 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स है तो क्या करेंगे, 5 × h, तो क्या बन गया 5h। और ब्रेथ क्या है, और ब्रेथ क्या है, ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस, नॉट 10 सेंटीमीटर बल्कि वो लेस है, माने कम है इससे देन द लेंथ, वो लेंथ से 10 सेंटीमीटर कम है। और लेंथ कितनी है, लेंथ अभी अभी निकली है वो है 5h, तो उसमें से भी 10 कम कर देंगे तब जाके वो ब्रेथ के बराबर आएगी। तो इस हिसाब से हमारे पास आ गई हाइट जो कि h है, लेंथ जो कि 5h है, और ब्रेथ जो कि 5h माइनस 10, ठीक है। ये हमारे पास तीनों के तीनों इस फॉर्म में बन के आ गए, यही हमें बनाने थे, लेंथ एंड ब्रेथ बनाने थे हाइट के टर्म में। देख सकते लेंथ हाइट के साथ बताया हुआ, ब्रेथ उसमें भी हाइट का यूज हो रखा है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। राहुल बाइज 5 copies ऑफ मैथ, राहुल ने मैथ की 5 notebook खरीदी, 2x copies ऑफ इंग्लिश एंड y² copies ऑफ हिंदी, एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ कॉपीज एज एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो राहुल खरीदता है नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ मैथ, मैथ की कितनी कॉपीज खरीदता है, 5। उसके बाद ही बाइज, बाइज को हमने ऐसे कर दिया, नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ मैथ के बाद वो किसकी नोटबुक खरीद रहा है, इंग्लिश की, इंग्लिश की नोटबुक कितनी खरीदी उसने, 2x। उसके बाद फिर ही बाइज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ हिंदी, फिर हिंदी की नोटबुक भी खरीदी उसने, हिंदी की खरीदी है y की पावर 2, है ना। फिर हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ नोटबुक या कॉपीज, टोटल नंबर ऑफ कॉपीज बन गई वो हो गई मैथ की 5, इंग्लिश की 2x और हिंदी की y², ये आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, 9.2 एक्सरसाइज। अब ओपन कर रहे हैं हम 9.3 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 9.3 में आइए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 1 कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जो कि 5x - 10 = 30 बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। बेटा अब हम देखते हैं ये क्या है,
यहाँ पे क्या लिखा है ट्रायल और यहाँ पर क्या लिखा है एरर। ट्रायल का मतलब क्या होता है ट्राई करना कोशिश करना और एरर का मतलब क्या होता है गलतियां आना, है ना। ट्रायल का मतलब है कोशिश करना और एरर का मतलब है गलतियां। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि जैसे आपके पास 5x माइनस 10 इक्वल 30 था, अब हम कुछ ट्राई करेंगे। अब ट्राई करने के लिए क्या है प्लस सॉरी तो अब हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं। क्या ट्राई करते हैं देखो क्या कि सबसे पहले हम इस x की जगह पर कुछ नंबर सोचेंगे, उस सोचने को हम कहते हैं लेट। क्या बोलते हैं लेट। चलो मान लिया कि x 1 के बराबर है, किसके बराबर है 1 के बराबर है, तो हम x की जगह पर 1 लिखेंगे। x की जगह पर क्या लिखेंगे 1। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जा 5 प्लस 10 इक्वल 30, तो कितना आया 15 इक्वल 30। क्या 15 30 के बराबर होता है? तो पहला वाला लेट गलत हो गया। तो अगली बार हम करेंगे, मान लो कि हमने लेट किया कि x की वैल्यू 2, अब हम x को 2 लेट करेंगे तो 5 और x की जगह पर रख दिया 2 प्लस 10 इक्वल 30, तो 5 टू जा कितना होगा 10 प्लस 10 इक्वल 30 कितना होगा 20 इक्वल 30 नहीं होगा ना। तो क्या लेना चाहिए हमें, चलो अब एक बार थ्री भी ले। हाँ जी बेटा 10 प्लस 10 तो 20 होता है और यहाँ से यहाँ तक 10 30 साथ में चला आ रहा है, तो क्या 20 30 के बराबर होता है? नहीं होता, इसलिए काट दिया। अब हमें ऐसा नंबर लेके आना है जिससे कि ये बन जाए 30 आना चाहिए। तो एक बार हम एक और चेक करते हैं लेट। 1 लिया 2 लिया 3 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। 3 लिया तो क्या आएगा 3 5 का 15, 15 प्लस 10 25, तब भी नहीं होगा। एक काम करते हैं सीधा हम जंप करके देखते हैं 4 पे, है ना। 4 पे हमने जंप किया, हमने देखा कि x की जगह पर जब हम 4 रख रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है 4 5 जा 20 10 30, तो इधर चल ही रहा था तो यहाँ पे आ गया, दोनों तरफ 30 आ गया, आया ना। तो ये जो हमने हमारा जो इक्वल आंसर आया उससे पहले हमने कुछ ट्राई किया था अलग अलग नंबर लेकर के किया था, उसी को ट्रायल कहते हैं। जब हम ट्रायल कर रहे थे तो उनमें हमारी गलतियां भी आ रही थी कि नहीं वो बराबर नहीं आ रहे थे, नहीं आ रहे थे ना। इसी मेथड को कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। क्या बोलते हैं इसे ट्रायल एंड एरर मेथड। तो हमारा आंसर जो है, आंसर इज एक्स की वैल्यू 4, क्योंकि इसकी वजह से आंसर आया है ना। एक्स की जगह पर 4 रखने पर हमारा आंसर आया है, तो एक्स है 4। समझ में आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ट्रायल और एरर मेथड समझ में आया, तो फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व, इसमें सॉल्व करने के लिए बोला है। अब आपको इक्वेशंस पहले से दी हुई है, ठीक, तो इन्हें कैसे सॉल्व करना है वो बताता हूँ मैं अब आपको। आपने ना 6th क्लास में भी किए हुए हैं, में तो हुई आप। अब देखिए कोई नंबर है यहां पर आपके पास, जैसे कि प्लस का 5 आप देख रहे हैं, जो एक साइड प्लस करेगा दूसरी साइड जाके क्या करेगा बताइए, अगर जाएगा तो माइनस और माइनस है तो क्या करेगा प्लस, है ना।
समझ रहे मेरी बात। ठीक और इधर से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस वाला, और प्लस वाला आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर उधर जाएंगे तो ये। और एक चीज और, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड करेगा और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई करेगा, है ना। ये मैंने जब शुरू के कई चैप्टर्स कराए थे तब भी आपको समझाया था। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक्स ऐसे ही रहेगा, 12 के पास प्लस का 5 जा करके माइनस का 5, प्लस का 5 जाके माइनस का 5 हो गया, तो कितना होगा अब 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा, कि कौन बच्चा है जो इस तरह से बोलता है। संतोष संतोष, संतोष क्या बात है, गले में कुछ प्रॉब्लम है संतोष? क्या ठीक गले में कोई प्रॉब्लम है? अभी है ठीक तो आवाज बिल्कुल सही आ रही है, अभी तो आवाज बिल्कुल सही आ रही है। आप एक काम करेंगे, आप माइक ऑन नहीं करेंगे, माइक आपका परमानेंटली ऑफ रहेगा, आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे क्लास के अंदर, माइक ऑफ करके रखेंगे पूरी क्लास के अंदर, अगर क्लास लेनी है तो। माइक ऑफ कीजिए जल्दी से अपना। सेकेंड, अब आपके पास जैसे वाई माइनस टू दिया है 10, तो यहां माइनस में है 2, तो दूसरी साइड जाके क्या करेगा, प्लस का 2, तो ठीक आ जाएगा 12। बेटा आपके अगर घर में लोग बातें कर रहे हैं, आपके आसपास बातें हो रही है, तो माइक ऑन मत कीजिएगा। कोई भी बच्चा, ऐसा बच्चा जिसके आसपास घर में कोई है, तो माइक ऑन नहीं करना। अभी भी आवाज आ रही है, ये बच्चे माइक ऑफ कर लीजिए, सभी बच्चे माइक ऑफ कर लीजिए, सभी बच्चे माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। सभी बच्चे माइक ऑफ कर लीजिए। सेकेंड पार्ट में हमने माइनस का 2 जा करके प्लस का 2 हो गया और वाई की वैल्यू 12 आ गई। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, यहां करते हैं। थर्ड में 7p इज इक्वल टू 210। तो 7 और p इनके बीच में कोई साइन तो है नहीं, तो ऐसे में इनका क्या माना जाएगा, क्या कर रहे हैं ये, प्लस है माइनस है मल्टीप्लाई या डिवाइड? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, गुड। तो जब ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड करेगा, और जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 7 7, 7 3 21, तो 30 आता है। तो पी की वैल्यू कितनी हो गई, 30। ओके ओके बस अब आपका, हाँ कोई बच्चा कुछ कह रहा है, बोलो बेटा। हाँ ना, अच्छा यहाँ पे हमने वैल्यू ही नहीं डाली है, सॉरी। हाँ 12 में से 5 गया तो 7 आएगा, बिल्कुल। तो ठीक है, आप ऐसे डिवाइड कर दीजिए, 210 को डिवाइड कर दीजिए, ऐसे डिवाइड आता है, यस सर। ऐसे कर दीजिए, क्लियर? अब हम आते हैं इसके बाकी पार्ट जो हैं, कौन कौन से बच गए, फोर्थ बच गया, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट। ये सारे पार्ट आप अपने आप करेंगे, डू योर सेल्फ, ठीक है। अब तो
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फाइंड द अननोन नंबर। अननोन का मतलब जिसके बारे में पता ही नहीं है, एक ऐसा नंबर है जिसके बारे में हमें नहीं मालूम है, हमें वो फाइंड करना है। लेकिन व्हेन वन थर्ड ऑफ नंबर, लेकिन उस नंबर का अगर वन थर्ड निकाला जाए और को ऐड किया जाए 9 से, इज एडेड टू 9, तो उनका टोटल आंसर 19 बन जाता है। क्या बन जाता है? 19। तो लेट द अननोन नंबर यानी जो नंबर इन्होंने नहीं दिया वो नंबर है, मान लिया हमने x, ठीक, और उसका वन थर्ड क्या बनेगा, वन थर्ड ऑफ x वो कहलाएगा x बाय 3। वन थर्ड का मतलब होता है 3 से डिवाइड करना, वन थर्ड ऑफ x का है x बाय 3, या इसको एक मैं और दूसरे तरीके से बताऊं तो 1/3 ऑफ x, और ऑफ जो होता है वो मल्टीप्लाई के लिए कंसीडर किया जाता है, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बन जाए x बाय 3 कहलाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा कि वन थर्ड जो नंबर है उसमें अगर हम 9 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 19 आना चाहिए। 9 ऐड करते हैं तो वो नंबर कौन सा है, तो देख लेते हैं। x बाय 3, 19 प्लस का 9 है तो यहां जाके क्या बनेगा, माइनस का 9, और फिर x बाय 3, 19 में से 9 गया तो बचेगा 10, और क्योंकि 3 यहां पर डिवाइड कर रहा है तो यहां पर आके मल्टीप्लाई करेगा तो उस x की वैल्यू आ गई 13। तो वो जो अननोन नंबर था वो है 30, ठीक है। इन्होंने हमसे कहा था एक अननोन नंबर है, जब उसके वन थर्ड में 9 ऐड किया जाता है तो 19 बन जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। देन क्वेश्चन नंबर 4 में मिलता जुलता ही है, वो भी देख लेते हैं। इफ 1/4 ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का अगर 1/4 में डिक्रीज कर दें बाय 4, उसमें से कम कर दें, डिक्रीज का मतलब होता है कम करना, 4 कम कर दें तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो 8 आएगा। तो पहली बात तो नंबर हमें मालूम नहीं है, तो लेट द नंबर उस नंबर को हमने x ले लिया, और उसका फिर हमें 1/4 भी निकालना है, 1/4 ऑफ द नंबर जो हमने लेट किया है, 1/4 बनेगा 1/4 ऑफ x, तो ये बन जाएगा x बाय 4, ठीक है। अब कहा कि डिक्रीज बाय 4, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो x बाय 4 में से अगर डिक्रीज किया जाता है 4 तो आंसर क्या बनता है, दैट इज 8। तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है x बाय 4 और 4 का जो गैप है, यानी माइनस करने को डिफरेंस ही कहते हैं, इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 8 आएगा। तो आप जानते हैं कि एक तरफ माइनस कर रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, प्लस का हो जाएगा माइनस का 4, पर इसके x में यहाँ पे 8 है, 8 में 4 प्लस हो गया तो आ गया 12, और जो यहाँ पे 4 डिवाइड कर रहा है वो दूसरी तरफ जाके क्या कर देगा, मल्टीप्लाई 48, एक्स इक्वल 48, तो वो नंबर 48 है। ठीक है, वो नंबर क्या है, 48। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस का मतलब होता है डबल,
किसी नंबर का अगर डबल कर दें या फिर उसके बाद एडिट टू थ्री टाइम्स इटसेल्फ और अपने ही नंबर का थ्री टाइम्स करके उसको ऐड कर दें तो फिर क्या होता है, इक्वल टू 90, तो 90 के बराबर हो जाता है। फाइंड द नंबर, तो पहली बात तो लेट द नंबर बी x, वो x ले लिया, एक बार उसका ट्वाइस करना है, ट्वाइस ऑफ x, x का ट्वाइस होता है 2 × x यानी 2x हो जाएगा, और एक तरफ उसका थ्री टाइम्स करना है, थ्री टाइम्स ऑफ x, x का थ्री टाइम होगा 3 × x यानी 3x। तो इन्होंने कहा कि एडिड ट्वाइस अ नंबर एडिड टू थ्री टाइम्स इटसेल्फ, अपने ही नंबर के थ्री टाइम्स के साथ इनको ऐड किया जाए, यानी 2x को अगर ऐड किया जाए इसी के 3x से, अच्छा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को शॉर्ट में ए टू क्यू भी बोलते हैं, तो 2x को अगर 3x से ऐड किया जाए तो आंसर आता है 90। फाइंड द नंबर, अब देखो ये है 2x ये 3x तो दोनों मिलके बन गए 5x 90। अब हुआ क्या, 5 यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ जाकर करेगा डिवाइड, तो 5 के टेबल में ये कितने पर जाता है, 18 पर, तो x की वैल्यू आ गई 18, वो नंबर 18 है, 18 का जो ट्वाइस होगा आप जानते हैं कितना होगा, 18 टू जा 36 और 18 थ्री जा 54, 36 और 54 को प्लस करोगे तो 90 ही बनता है। लास्ट आज के लिए क्वेश्चन नंबर 6, आपके पास एक ट्रायंगल दिया है, उस ट्रायंगल में तीन एंगल्स बताए मैंने, एक एक्स है बाकी, एक एक्स है बाकी 4x और 4x है, तो तीनों एंगल दिए हुए हैं और एंगल के नाम है जैसे ए बी सी, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द एंगल, हर एंगल की वैल्यू बतानी है कि हर एंगल कितने डिग्री का है। हम इतना जरूर जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का प्लस कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तीनों एंगल है ना, और ये किस वजह से होता है, इसको हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है इनका, एक गुण है, एक फॉर्मूला है, मतलब इसी नियम की वजह से ये ऐसा होता है, उसको कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की ये एंगल सम प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। x की जगह पर हम लिखते हैं, सॉरी a की जगह पर लिखेंगे x और b की जगह पर लिखेंगे हम 4x, c की जगह पर हम लिखेंगे वो भी 4x, 180, 4 प्लस 4 8 और इसके पास कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, तो टोटल हो गए ये 9x, फिर 9 जाके डिवाइड करेगा तो 9 टू जा 18 यानी कि 20 आ जाएगा x की वैल्यू, x अगर 20 आ गया तो एंगल a कौन था, एंगल a तो x था और x आ गया 20 डिग्री, एंगल बी कितना था 4x यानी 4 मल्टीप्लाई 20 80 डिग्री, एंगल सी कितना है वो भी 4x है तो 4 × 20 वो भी 80 डिग्री, ठीक है, तो तीनों एंगल हमारे पास आ चुके हैं। आज का आपका काम यहीं तक है, तो होमवर्क में सबसे पहला होमवर्क है कंप्लीट एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2 इन पेयर नोटबुक, ठीक है, 9.1 और 9.2 एक्सरसाइज को आप पेयर नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि 9.1 और 9.2, 9.1 पहले कंप्लीट करा दिया था, आज 9.2 भी कंप्लीट करा दिया है, और दूसरा होमवर्क है आपका डू एक्सरसाइज 9.3, उसके भी क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं, क्वेश्चन 1, 2 क्वेश्चन 6 इन पेयर नोटबुक।
एक से छह तक शेयर नोटबुक में आपको करना है और आपको ये सेंड करना है, सेंड टुडे बाय 6 PM, आज शाम को 6 बजे तक आपको ये सारा काम मुझे भेजना है। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, आप लोग मुझे